दूसरा भी देखेगा, इसका दोबारा तेल भी नहीं लगाना पड़ा। ये देखिए कितना अच्छा से फूल कर हमारा पराठा आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, आलू के पराठे भी ऐसे नहीं फूलते हैं जितना प्यारा ये फूल कर आया है। तो चलिए ऐसे ही पराठे सारे बनाते हैं और देखते हैं। देख सकते हैं ये देखिए कितना सॉफ्ट पराठा, ये देख सकते हैं इतना सॉफ्ट पराठा कोई बोले प्लेट, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा पोहा था जिसको हमने पीस कर ले लिया है। देखिए इसका वो जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि इसी के हिसाब से देखिए ये हमारा चावल से बना हुआ पोहा है होता है। तो इसमें पानी किस अधिक क्वांटिटी में लगता है, हमारा ये पोहा का पाउडर है, ठीक है, महीन जो कि पीस के हमने ले लिया है। तो देखिए एक कटोरी हमारा ये पोहा है और टेस्टी और बहुत यम्मी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये देख सकते गाइस हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, ठीक है। तो अब इसमें हम ऑयल डालेंगे 2 स्पून के करीब। ये देख सकते गाइस हमने 2 स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। ये देख सकते गाइस हमारा ऑयल हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा अपना 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है, और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर, ये देख सकते हैं। इसको हम पका लेंगे। अब ये देखिए गाइस गैस धीमी रखिएगा फ्लेम, और ये और अदरक जो कद्दू पक करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये देख सकते हैं गाइस ये हमारा 1 कटोरी पोहा है, तो इसमें हम इसका डबल पानी डालेंगे, यानी 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पोहा जो है वो अच्छा खासा पानी पी लेता है इस वजह से, ठीक है। तो ये 1 कटोरी और ये 2 कटोरी, वो थोड़ा सा पानी हमने पहले डाल दिया था तो वो इसलिए क्योंकि मसाले ना हमारे जले इस वजह से, ठीक है। अब इसमें जो भी मसाले आपको ऐड करने हैं आप आराम से ऐड करें और पानी में एक बॉयल आने दें। तो ये देखिए हम इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी रखेंगे ऊपर से डालने के लिए, और अब इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो ये अच्छे से इसमें बॉयल आने देंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस थोड़ा सा हमने अपना मसाला बनाया था, जो मसाला नमक था वो हमने ऐड किया हुआ। आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस अब इसको इसमें बॉयल आने देंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस अच्छा खासा बॉयल आने लगा है हमारे पानी में। तो फ्लेम को कर देंगे धीमा, बिल्कुल बिल्कुल हमने धीमा कर दिया, और धीरे धीरे अपने ये पोहा वाला पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे, बिल्कुल गांठे ना बने इस वजह से, ठीक है। इस वजह से ये सारा डाल दिया इसमें, और उसको अच्छे से हम मिलाएंगे और पका लेंगे, क्योंकि पका के बनाएंगे तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से हम इसे मिला लेंगे, पोहे के पराठे बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ठीक हो गया है, तो इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। और इसको हम एक ठंडा होने देंगे अब, लेकिन नॉर्मल इतना ठंडा नहीं होने देंगे कि बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तो हमें इतना ठंडा होने देना है कि हम हाथ इसमें लगाएं तो ये हमारे अच्छे से हाथ में टच कर सके, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे पोहे के पराठे। तो ये गाइस बहुत टेस्टी नाश्ता बनेगा पोहे के पराठे। तो इसको हम ऐसे करेंगे आराम से, ठीक है। और ये देखिए कढ़ाई में ही ठंडा करेंगे। और ये देखिए हमने ग्रेट किया हुआ आलू ले लिया है। देखिए आप ग्रेट करने ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें इसमें लंग्स नहीं चाहिए, तो इसको भी हम इसी में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक नहीं मिलाना है। गाइस आप ये इसके पराठे खाएंगे ना तो आपको यही लगेगा कि आपने नॉर्मल आलू के पराठे खाए हैं, और इतनी टेस्टी लगेगा ही नहीं कि आपने किसी और चीज के पराठे खाए। तो उसको भी इसी में हम मिला देंगे। ये देखिए गाइस अब सादा नमक थोड़ा सा और ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने आलू मैश किया हुआ डाला था, जो हमने पहले नमक डाला है वो हमने डाला था पोहा के हिसाब से, और अब इसमें हमने डाला है अपने आलुओं के हिसाब से। तो नमक बिल्कुल हिसाब से देख कर डालें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, ठीक है। तो बस इसको अब हम करेंगे ठंडा ऐसे ही करते हुए, और ये हल्का ठंडा होने के बाद इसको हम आटे की तरह डो बना लेंगे इसका, ठीक है। और ये जो धनिया बचा के रखी थी ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। गाइस काम बहुत रहता है इस वजह से, बहुत यम्मी बिल्कुल टेस्टी लगेंगे, क्योंकि रोज रोज का नाश्ता खा के आप हो गए हैं परेशान। तो देखिए अब ये हो चुका है, अब इसको हम ढककर इसी तरह से रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि ये ठंडा भी हो जाएगा
और हम उसे हाथ से टच कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से ठंडा करने के लिए रख देंगे ढककर। ये देख सकते हैं गाइस, इसको हम टच कर रहे हैं, तो अब हम टच कर सकते हैं इसको। तो अब हम देखिए आगे का प्रोसेस कि क्या करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे जो उसमें होता है थोड़ा सा कि जो पोहा होता है उसमें बाइंडिंग की कमी होती है। ठीक है, तो इसको बाइंडिंग करने के लिए अब इसमें हम थोड़ा सा आटा या मैदा मिलाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने दूसरे बर्तन में कर लिया है। ठीक है, तो आप हम इसमें डालेंगे अपना मैदा। ठीक है, आप अगर कटलेट इसके बनाने चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गाइस, इस तरह से कटलेट भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं, एकदम आराम से इसे कर लीजिए इस तरह से, और इस तरह से टिक्की बनाकर आप सेक लीजिए। जबकि आज हम कटलेट नहीं बता रहे हैं आपको बनाना, कटलेट बताएंगे आगे, फिर कभी बताएंगे। तो चलिए इसका हम बनाते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारा मैदा, तो सॉरी ये हमारे डो में हम डालेंगे अपना 2 स्पून पहले मैदा। मैदा इसकी क्वांटिटी देखकर फिर हम मिलाएंगे कि किस तरह से हमको चाहिए। गाइस अगर थोड़ा सा डो सख्त हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें थोड़ा सा पानी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मसलते हैं अच्छे से, फिर लेते हैं। ये देखिए गाइस, 2 स्पून पहले डाला था, 2 स्पून हम फिर से डाल रहे हैं, बाद में थोड़ा सा जरूरत है हमको और भी, तो उसको भी ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस हमारा अच्छे से मल गया, तो 1 स्पून ले लेंगे ऑयल और अपने इस पर डो पर लगा लेंगे। ठीक है, इसको और थोड़ा सा मसल देंगे। देखिए हमें मुलायम मुलायम सा बनाना है, इसलिए हमें आटे की तरह अच्छे से इसको, तो ये देखिए गाइस मल चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम रख देंगे और उसके बनाएंगे पराठे। ये देखिए गाइस, अपना निकाल लेंगे इसमें से 1 डो, जितनी बड़ा हमें पराठा बनाना है उस हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से गोल करेंगे इस तरह से करते हुए। और गाइस आपने जो भी लगाया हो, मैदा या फिर आटा जो भी, तो उसको डस्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा लगा लेंगे तो आपको इससे बेलने में आसानी हो जाएगी। ये देख सकते हैं गाइस, हल्का हल्का बेलन चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे कस के, वरना ये अच्छे से नहीं बिलेगा, क्योंकि हमें इवन बनाना है अच्छे से, ताकि अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसको हमें, और गाइस ये थोड़ा सा मोटा ही रहेगा क्योंकि बहुत पतला नहीं होगा, आप बहुत पतला करेंगे तो ये सही नहीं रहेगा इसलिए। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से ये बिल रहा है हमारा, और कितना टेस्टी भी लग रहा है देखने में। ये देखिए, देख सकते हैं गाइस बिल चुका है, इसे काटने का भी नहीं पड़ा कुछ झंझट, और अच्छे से बनकर रेडी है हमारा पराठा। और देखिए इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप इस तरह से, तो इसी तरह से रखेंगे। एक बात और गाइस, इसको बेल बेल कर नहीं रखना है, तुरंत बेलते जाना है और तुरंत सेकते जाना है। तो चलिए हम सेक कर भी दिखाते हैं आपको तुरंत ही। ये देख सकते हैं गाइस हमारा तवा हो चुका है, इस पर हम लगाएंगे अपना ऑयल, क्योंकि बिना ऑयल लगाए आप अगर करेंगे, बिना ग्रीस करेंगे, तो हो सकता है हमारा पराठा चिपक जाए इस वजह से। और इस पराठे को हम धीरे से ऐसे डाल देंगे, और जब तक देखिए तवा गरम ही करके पराठा डालें, वरना हो सकता है चिपक जाए, तब पराठा अच्छा नहीं सिकेगा। तो इसको अब अच्छे से हम सिकने देंगे 1 मिनट के लिए। ठीक है, फ्लेम बिल्कुल धीमी ही रखेंगे, इसको बहुत तेज फ्लेम नहीं रखेंगे। तो इसको 1 मिनट बाद देखते हैं। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं आप, इसकी हम दूसरी लोई बना रहे हैं, उसी तरह से हम इसको भी बेल लेंगे। और देखिए गाइस, काटने की भी जरूरत नहीं बनी, कितना अच्छे से पराठा हमारा सिका है। ठीक है, ये देखिए गाइस, ऊपर से ही बिल्कुल ड्राई लगने लगा है, तो इस पर भी ऑयल थोड़ा सा डाल देंगे जिससे कि चिपके नहीं। और इसको अब हम देखिए हिलने भी लगा है, तो इसका मतलब ये हमारा हो चुका है पराठा, तो इसको हम पलट देंगे, लेकिन बहुत आराम से पलटना है आपको। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इधर भी हम लगा देंगे ऑयल और थोड़ा सा, और इसको सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस हमारा सिक चुका है, ये देखिए अलट पलट के हमने एक सेक लिया है, और दूसरा भी देखिए गाइस, अब दोबारा तेल भी नहीं लगाना पड़ा। ये देखिए कितना अच्छा से फूल कर हमारा पराठा आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, आलू के पराठे भी ऐसे नहीं फूलते हैं जितना प्यारा ये फूल कर आया है। तो चलिए ऐसे ही पराठे सारे बनाते हैं और देखते हैं। ये देखिए गाइस, सिक चुका है दोनों तरफ से, तो इसको अब हम अलग हटाकर अपना रख लेंगे जाली स्टैंड पर। तो गाइस इसी तरह से सारे पराठे सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे। ये देखिए गाइस, हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। और आप एक चीज, ये देखिए गाइस, इतना सॉफ्ट पराठा
चावल के आटे का या फिर पोहा का तो कोई मान ही नहीं सकता है। तो देखिए कितना टेस्टी, कितना अच्छे से। और गाइस चलिए सर्व करते हैं इनको हम। ये देखे गाइस, हमने अपने बना के रख दिए पराठे और अपनी चटनी, वही चटनी है जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। तो आप इसको देख सकते हैं पिछली वीडियो में जा करके, और आपको हम एक दिखा दे रहे हैं आपको कि कितने फ्लफी और फूले बनते हैं पराठे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हम तोड़ कर या फाड़ कर दिखा रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं कितने अच्छे से फूला फूला पराठा बन के आया है। देखिए तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।